वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस फर्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी फॉर द डिले क्योंकि कल की जो सीरीज़ है वो अपलोड नहीं हो पाई एंड देन आज मॉर्निंग में भी थोड़ा लेट हो गया था तो मॉर्निंग में भी सीरीज़ हमारी नहीं आ पाई बट कोई नहीं तो आज हम सीरीज़ इलेवन डिस्कस करेंगे जो तो लास्ट सीरीज थी टेंथ हमने इसमें एक एम सी क्यू आप लोगों के लिए भी दिया था तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही दिया है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिनका भी एन एच में स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट सेम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि नॉर्मलाइजेशन के जो आप आफ्टर एग्ज़ाम देंगे अभी एन एच स्टाफ नर्स के लिए उसमें आपका रिज़ल्ट नॉर्मलाइजेशन बेस पर आएगा जैसे एम पी का आया है तो आप लोग रेडी रहें एग्जाम देने के लिए बिल्कुल भी लाइटली होके एग्ज़ाम ना दें क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बहुत ही रेयर लोगों के मार्क्स हैं जो बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं सभी के मार्क्स हैं जो घट जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन किस बेस पर होगा नॉर्मलाइजेशन होगा कि दो शिफ्ट में पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सीरीज़ एलेवेंथ जो भी लोग इस सीरीज़ को देखते हो डेली सीरीज़ अपलोड की जाती है अभी बीच में एक दिन का गैप हो गया था तो यहाँ पर जितनी भी सीरीज आ रही हैं चैनल पर और प्रीवियसली जो भी सीरीज़ रही हैं वो सभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी और हमारे दो तीन टास्क हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट थिंग यू पी का पेपर आपके लिए सेकेंड एम पी एन एच एम स्टाफ नर्स का और थर्ड यू पी पी एस सी का इंग्लिश टाइपिंग में आपको पेपर प्रोवाइड करवाना है तो तीनों चीज़ें आपकी वन और टू डेज़ के अंदर हैं करवा दी जाएंगी तो आज सीरीज़ एलेवेंथ देखने के पहले लास्ट एक जो क्वेश्चन दिया था आपके लिए वो यहाँ पे बता दूँ तो क्वेश्चन था मिसिज़ गीता लास्ट पीरियड मैं हर ई डी डी शुड बी विच ऑफ दी डी बताना था तो लास्ट मैं पीरियड कब है दस जून तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे काउंट की जाती है तो यहाँ पर आंसर सभी लोगों ने कितना दिया सत्रह मार्च और ये बिल्कुल सही आंसर है तो ये कैसे होगा एल एम पी क्या है दस जून तो एल एम पी प्लस नाइन मंथ तो जून से जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च राइट तो कितने हो गए ए, हो गए टेन मार्च एंड देन आफ्टर सेवन डेज और हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सेवनटीन मार्च बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने का तो आप याद रखें आपके लिए ओनली एल बस दिया जाएगा एग्जाम में देन आफ्टर आपको ई कैलकुलेट करनी होगी हो सकता क्वेश्चन डायरेक्ट एल की जो डेट भी बताई जाए तो क्वेश्चन घुमा फिरा के चार पांच लाइन का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बहुत इजी है ई निकालना आपका जो लास्ट मेन्सुरल पीरियड रहा हो प्लस उसमें नाइन मंथ और साथ ही साथ सेवन डेज और ऐड कर दें तो आपकी एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट हो जाएगी आज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करेगा ऑप्शन में ब्रेन हार्ट लिवर या फिर किडनी तो टेरस क्या है सॉरी कर्निक टेरस किस पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा और है क्या तो कर्निक टेरस अफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा ब्रेन को ऐसा क्यों जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं यदि उनमें ज्वाइंडेस का जो ब्लू ब्लूरो लेवल होता है वो ब्लड फ्लो के साथ साथ यदि बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है ब्लूरो का लेवल बॉडी में तो क्या कंडीशन क्रिएट करता है ज्वाइंडेस और यदि यही ब्लूरो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है तो ये सीधा ब्रेन को अफेक्ट करेगा ब्रेन सेल्स को टिश्यू को अफेक्ट करेगा तो ये कंडीशन क्या कहलाती है कर्निक टेरस तो कर्निक टेरस के लिए देखिए यहाँ पर यदि बेबी में ऐसी कंडीशन है कि जो ब्लूरोन लेवल वेन ब्लूरोवल लेवल्स आर सो हाई दैट दे मूव फ्रॉम द ब्लड एंड इन टू ब्रेन टिशू तो जब ब्लूरो का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है जो ब्लड से जो हमारे आर्टरी से ब्लड की सप्लाई हो रही है वहाँ से यदि ब्रेन टिशू में पहुँच जाता है तब कनिक टेरस की कंडीशन क्रिएट होगी और ये क्या कर सकता है ब्रेन डैमेज और इवन परमानेंट इंजरी भी क्रिएट कर सकता है और जनरली जो बेबीज होते हैं उन्हीं में कंडीशन होती है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कर्निक टेरस किस पार्ट को अफेक्ट करेगा ब्रेन को और है क्या तो जब ग्लूरोविन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है ब्रेन में क्योंकि हमने जनरली यही पढ़ा है कि जब ग्लूरोविन का लेवल हाई होता है तो किस पार्ट को अफेक्ट करता है लिवर को लेकिन इन केस जब यही ब्लू रूबिन आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है, है कर्निक टेरस और इफेक्ट किसको करेगा ब्रेन को नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड वाइल्ड केयरिंग फॉर अ चाइल्ड हु इज ऑन फोटोथेरेपी एक्सेप्ट तो यहाँ पर आप सभी चीज़ें करेंगे जब आप किसी बच्चे को फोटोथेरेपी दी जा रही हो किसी एक को छोड़कर ऑप्शन में है इन्फेंट शुड बी फुली नेक्ड विच आइस एंड जेनाइटेलिया कवर्ड ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड अनलेस इट इज़ कॉन्ट्राइंडेटेड बेबी शुड बी कम्प्लीटली नेक्ड फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ इन्फेंट टेम्परेचर नीड टू बी डन तो यहाँ पे आपको सही पॉइंट बताना है कि क्या नहीं करेंगे जब फोटोथेरेपी क्यों दी जाती है बच्चों में यदि जॉइडिस की कंडीशन हो ब्लू रूबिन का लेवल बड़ा हुआ हो तो ऐसे केस में फ़ोटोथेरेपी दी जाती है ब्लू रूबिन लेवल को कम करने के लिए तो फोटोथेरेपी जब दी जाती है तो यहाँ पे सभी चीज़ें यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर तो जब भी बच्चों में फोटोथेरेपी दी जाती है तो बच्चों को फुली नेक्ड किया जाता है एक्सेप्शनल आइजन जेनाइटेलिया को कवर कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट सही है सेकेंड ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड अनलेस इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है यदि बताया जाता है तभी आप कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे बट ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें बेबी शुड बी कंप्लीटली नेक्ड तो बेबी को कभी भी जब फोटोथेरेपी दी जाती है कम्प्लीटली नेक्ड नहीं किया जाता है नेग्ड किया जाता है बट उसके जेनाइटेलिया और जो आइज हैं दोनों को कपड़े से कवर कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एक्सेप्ट आपको बताना है क्या नहीं करेंगे तो आपको क्या नहीं करना है बेबी शुड बी कम्प्लीटली नेक्ड फोर्थ ऑप्शन है फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ इन्फेंट टेम्परेचर नीड टू बी डन तो आपको बेबी का टेम्परेचर है जो मॉनिटर करते रहना है बट जो नहीं करना है वो क्या होगा बेबी शुड बी कम्प्लीटली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और जब फोटोथेरेपी की बात की जा रही है तो फोटोथेरेपी से ऐसा नहीं है कि क्या दो क्वेश्चन बनते हैं फोटोथेरेपी क्यों दी जाती है बेबीज में ग्लूरोन लेवल हाई हो जाता है जॉइस के ट्रीटमेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है और जब बेबीज को फोटोथेरेपी यदि ज्यादा टाइम तक दी जा रही हो तो बेबी में जो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की कंडीशन को क्रिएट करने वाला है जो क्या होगा कॉज क्या होगा तो वो है फोटोथेरेपी नेक्स्ट है यहाँ पर विच मेडिकेशन शुड बी गिवन टू द न्यू बॉर्न बेबी टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है ऑप्शन में नॉर्मल सलाइन एडनेलिन डेस्ट्रोज या फिर विटामिन के तो बेबीज जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है हैमरेज को प्रिवेंट करना है तो एट द बर्थ क्या दे दिया जाता है विटामिन के एडमिनिस्टर कर दिया जाता है किस रूट से तो पे किया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से आपको रूट याद रखना है और जब कब दिया जाता है तो एट द बर्थ दिया जाता है ताकि बेबीज़ को ब्लीडिंग से हेमरेज से प्रिवेंट किया जा सके तो एट द बर्थ जब हम बात कर रहे हैं तो एट द बर्थ क्या क्या दिया जाता है बी वैक्सीन विटामिन के हेपेटाइटिस बी एंड ओरल पोलियो वैक्सीन तो ये तीनों वैक्सीन और एक इंजेक्शन जो कि विटामिन के है बेबीज़ में दिया जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टाइफ हो गया है जेस्टेशनल एज ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी कैन बी असिस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कोरिंग सिस्टम यदि हमें किसी न्यूबॉर्न बेबी की जेस्टेशनल एज पता करना है प्रीवियस सोनोग्राफी नहीं हुई है तो हम उस जेस्टेशनल एज को कैसे पता करेंगे कि बेबी कम्प्लीटली जो टर्म बेबी है प्री टर्म बेबी है क्या है तो बेबी की जो जेस्टेशनल एज पता करना है आफ्टर बॉर्न होने के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जेस्टेशनल एज हमें पहले से पता नहीं थी स्कैनिंग सोनोग्राफी नहीं हुई है उसकी एल भी मदर भूल गई है इनकेस तब आप कैसे स्टेशनरीज फाइंड आउट करेंगे तो क्या स्कोरिंग सिस्टम यूज किया जाएगा ऑप्शन में सिल्वर मेंस न्यू बैलाइट्स ग्लास्को कॉमा स्केल और जी या फिर डाउनीज़ स्केल तो यदि इनकेस मदर को एल याद ना हो सोनोग्राफी ना हुई हो तो ऐसे केस में यदि मदर की डिलीवरी हो गई हो तब हम उस न्यूबॉर्न बेबी को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये टर्म बेबी है प्री टर्म बेबी है तो उसके लिए हमें जेस्टेशनल एज पता होना चाहिए तो उस जेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए जो स्कोरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो होता है न्यू बाइलाइड स्कोर इसमें क्या होता है कि छह फिजिकल और छह नर्व मसल डेवलपमेंट है जो मेचोरटी चेक की जाती हैं साइन चेक किए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है द स्कोर फॉर ईच में रेंज फ्राम माइनस वन टू फाइव द स्कोर आर एडेड टू गड टू डिटरमाइन द बेबीजेल इज तो यहाँ पर जो न्यू बैलाइड स्केल है ये बेबी की जो एक्यूरेट तो हम अप्रोक्सीमेट क्या अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं बेबी की जेस्टेशनल एज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाएगा इसमें सिक्स स्कोरिंग सिस्टम होता है फिजिकल मैचूरेशन के लिए और सिक्स होता है नर्व एंड मसल डेवलपमेंट के लिए जो कि न्यूरो मस्कुलर है इसमें इन दोनों में छः छः पॉइंट स्कोर होते हैं तो इसमें मेच्योरिटी को फाइंड आउट किया जाता है और इसकी रेंज होती है माइनस वन टू फाइव जितने ज़्यादा स्कोर होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ाइंड आउट किया जाएगा कि बेबी की एज कितनी है मदर कितने वीक तक प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी को डिलीवर किया है ग्लासगो स्केल कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आप दोनों याद रखें कन्फ्यूज़ ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच इज़ द ड्रग ऑफ़ चॉइस टू कंट्रोलिंग एक्म्पटिक फिट्स तो कौन सी मेडिसिन एक्म्पटिक फिट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाएगी ऑप्शन में है सोडियम बाई कार्बोनेट मैग्नीसियम सल्फेट और एम जी एस ओफोर कैल्शियम ग्लूकोनेट तो यहाँ पर एकम्प्टिक जो एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो एकम्सिया accl की कंडीशन में यदि फिट्स आते हैं दो यहाँ पे आपको याद रखना है एक्म्सिया और प्रीएक्लेम्सिया तो प्रियक्लेम्सिया में क्या होता है दोनों क्या होते हैं प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण होने वाली समस्याएं हैं तो एक्लेम्सिया में क्या होगा फिट्स आने लगते हैं प्रियक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आते हैं सभी साइन सेम रहेंगे सिम्टम्स सेम रहेंगे बट जो एक्लेम्सिया की कंडीशन होगी इसमें जो मदर है उसको फिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कभी कभी यदि हमें उन्हीं फिट्स को कंट्रोल करना है एक्म्प्टिक फिट्स को कंट्रोल करना है तब कौन सी मेडिसिन दी जाएगी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है तो वह मैग्नीशियम सल्फेट और एन जी तो आपको एक्म्सिया और प्री क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाला हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या तीन चीज़ें कॉमन हो जाती हैं प्रोटीन प्रोटीन यूरिया हाई ब्लड प्रेशर एंड वन मोर थिंग कि जो प्रोटीन यूरिया के साथ साथ बीपी हाई होगा एडिमा होगा दोनों केस में एक्मसिया प्रैम्सिया में बट प्री एकम्सिया में फिट्स नहीं आते हैं एक्म्सिया में फिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एक छोटा सा डिफरेंस है याद रखें आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कई एग्जाम्स में आया भी है कि प्री एक्म्सिया एकम्सिया से किस तरीके से अलग होगा तो प्री एक्मसिया में फिट्स नहीं आते सिजर्स नहीं आएंगे मटेक्लेम्सिया में सीजर्स आने के चांसेस रहते हैं और दोनों ही प्रेगनेंसी में होने वाले हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट इनमें से क्या है जिसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के तौर पर कंसिडर किया जाता है ऑप्शन में है प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल या फिर सब सेंटर तो फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कंसीडर किया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए याद रखें आप एग्जाम में आता है फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है तो वो है या फिर एफ आर यू आ सकता है एफ आर यू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो वह फर्स्ट रेफरल यूनिट और सबसे पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फेंट मोर्टलिटी डज नॉट इंक्लूड तो जो इन्फेंट मोर्टलिटी है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा ऑप्शन में है पेरीनेटल मॉर्टलिटी अर्ली न्यूनेटल मॉर्टलिटी लेट न्यूनेटल मॉर्टलिटी या फिर पोस्ट न्यूनेटल मॉर्टलिटी तो इन्फेंट मोर्टलिटी है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पर इंक्लूड क्या होगा अर्ली न्योनेटल लेट न्यूनेटल और पोस्ट न्यूनेटल बट जो नहीं होगा वो क्या होगा पेरीनेटल मॉटलिटी पेरी का मतलब है प्रेगनेंसी से लेके आफ्टर बर्थ तक का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है पेरी नेटल मॉर्टलिटी पेरीनेटल मोर्टलिटी इन्फेंट मोर्टलिटी में इंक्लूड नहीं होगी और इन्फेंट इन्फेंट मोर्टलिटी क्या है इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर वन थाउजेंड लाइव बर्थ और चिल्ड्रन अंडर वन ईयर ऑफ एज तो यहाँ पर एक साल तक के बच्चों की जो डेथ होती है तो वो किस में आते हैं इन्फेंट में और यहाँ पर जो नंबरिंग uh, यूज़ की जाती है वो कितनी होती है एक हज़ार लाइव बर्थ पर यदि जितने भी एक साल तक की एज के एज ग्रुप के बच्चों की डेथ होती है तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में आते हैं और जब बात आपका स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होने वाला हो स्टाफ नर्स सी एच ओ के लिए तो याद रखें सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी है मध्य प्रदेश की यहाँ पर 2000 जो डेटा रहा है उसके अकॉर्डिंग एस आर एस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक हज़ार पे आई थिंक फोर्टी सेवन और इससे ज़्यादा है जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट रही है आप एक बार ये डेटा जरूर चेक कर लें एग्ज़ाम में आपको हो सकता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसलिए नहीं मैं आपको यहाँ पर बता पा रही हूँ बट जो हाईएस्ट है अच्छे से पता है कि जो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है वो कहाँ का है तो वो है मध्य प्रदेश का नेक्स्ट है यहाँ पर विच पोजिशन इज़ यूज्ड फॉर द एनीमा यदि किसी को एनीमा दिया जा रहा है तो कौन सी पोजीशन यूज़ की जाएगी ऑप्शन में लेफ़्ट लेटरल सुपाइन राइट लेटरल एफ्ट प्रॉन्ट पोजिशन जो पोजीशन यूज़ की जाएगी किसी को एनिमा देने के लिए वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन एनिमा के अलग अलग टाइप हैं एग्जाम में आते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ इवाक्यूंट एनिमा या फिर रिटेंड एनीमा तो रिटेंड एनिमा है जनरली ए मेडिसिनल जिसमें स्टिमुलेंट एनिमा आएगा एनेस्थीसिया के लिए यदि कोई मेडिसिन दी जानी तो वो न्यूट्रिय एमोइलेंट या फिर सेडेटिव एनिमा तो ये रिटर्न एनीमा में आएंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो वाक्यूंट एनीमा जिसमें सिंपल कोल्ड और आइस एनीमा एंड मेडिकेटेड एनीमा मेडिकेटेड एनीमा कब दिया जाता है परगेटिव एनीमा एंटी हेलमेंथिक एनीमा कार्मिनेटिव या फिर एस्ट्रजेंट एनिमा या फिर ऑयल एनीमा तो ये सभी एनीमा के टाइप हैं एनीमा के टाइप में से आपको क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ पर एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि जो एनिमा है तो एस्ट्रेजेंट किसके लिए एंटी हेलमेंट है किसके लिए पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है परगेटिव दिया जाता है यदि कोई भी फ्लैक्चुलेंस हो रहा हो उसके लिए कार्बिनेटेड एस्ट्रोजेंट एंड एन ऑयल एनिमा है जो दिए जाते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भारत सरकार के एट प्रेजेंट में केंद्रीय हेल्थ और स्वास्थ्य मंत्री कौन है ऑप्शन में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राजनाथ सिंह अमित शाह या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर ओनली सिंधिया लिखा गया है क्योंकि अभी नए आए हैं केंद्रीय मंत्रालय में स्पेशली तो राजनाथ सिंह एंड अमित शाह और हर्षवर्धन सिंह तो जो राजनाथ सिंह हैं ये किसके मिनिस्टर हैं तो राजनाथ सिंह हैं इनके पास रक्षा मंत्रालय है पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री है अमित शाह हैं एक गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर हैं और जो सिंधिया हैं ये अभी रिसेंट एविएशन मिनिस्टर बने हैं जो उड्डयन मंत्रालय होता है एविएशन मिनिस्ट्री वो अभी रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्वाइन की है हर्षवर्धन सिंह है जो हमारे प्रेजेंट में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं यदि आप अलग अलग स्टेट के लिए एग्जाम देते हैं तो आप वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर कौन है क्योंकि अभी रिसेंट में चेंज हो गए हैं कुछ दिन पहले ही आई थिंक वन वीक भी नहीं हुआ है तो एमपी में वहाँ के नए गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं यूपी के शिक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर कौन है एमपी के कौन है याद रखें एग्ज़ाम में आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच कंट्री टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओलंपिक इज हैपनिंग तो किस देश में दो हज़ार इक्कीस ओलंपिक है जो हो रहा है तो ये हम जनरली 2021 का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हो रहा है बट ये शेड्यूल्ड था 2020 में जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड इसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया है और अभी रिसेंट में ये स्टार्ट हुआ है तो ये किस देश में हो रहा है ऑप्शन में जापान यूके यूएस या फिर रसिया तो अभी हम सभी देख रहे हैं अपने अपने टी मोबाइल में जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं कहाँ पर हो रहे हैं जापान में और टोक्यो इनका नाम क्यों रखा है जो तो जापान की सिटी है टोक्यो वहाँ पर ये 2021 का ओलंपिक स्टार्ट हो गया है और एट प्रेजेंट में एक ए, दो तीन हमारे इंडियन जो प्लेयर हैं उन्होंने मेडल भी जीते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट कब से हुआ है एग्ज़ाम में आ सकते हैं तेईस जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चलेगा टोक्यो ओलंपिक और ये कहाँ पर हो रहा है कौन सा देश इसको होस्ट कर रहा है तो जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है नेक्स्ट है यहाँ पर अ सब सेंटर इज़ मीन टू बी देयर फॉर एवरी पॉपुलेशन इन हिली एरिया तो सब सेंटर होते हैं हिली एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करेंगे ऑप्शन में वन थाउजेंड थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड या फिर टेन थाउजेंड तो हिली और पहाड़ी इलाका यहाँ पर पूछते हैं तब हम कहेंगे तीन हजार यदि प्लेन एरिया में पूछते तो तब हम कहते पाँच हज़ार पॉपुलेशन को एक सब सेंटर कवर करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड बी देयर फॉर एवरी रूरल रूरल पॉपुलेशन इन द प्लान एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो रूरल पॉपुलेशन के तो 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 प्लान एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा तो यहाँ पर एक पीएचसी कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा यदि एरिया प्लान है तो ऑप्शन में टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी थाउजेंड तो एक पीएचसी कवर करेगा प्लान एरिया में कितनी पॉपुलेशन तो प्लेन एरिया की बात की जा रही है तो तीस हज़ार यदि प्लेन एरिया की जगह यही पॉपुलेशन जो हिली और ट्राइवल एरिया होते हैं पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे पूछते तब बीस हज़ार होती बट प्लेन एरिया में कहा है तो कितना होगा तीस हजार नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिंद कुश्त निवारण संघ इज अ वॉलेंट्री एजेंसी रिलेटेड टू द डिसीज तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है जो कि एक वॉलेंट्री एजेंसी है किस डिसीज़ के लिए हेल्पफुल रहता है ऑप्शन में ट्यूबर क्लॉसिस लेप्रोसी मलेरिया या फिर फाइलेरिया। तो जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ होता है वॉलेंट्री एजेंसी है ये लेप्रोसी के लिए काम करता है जो कि उन्नीस से नाइन नाइनटीन से उन्नीस से हिंद कुश्त निवारण संघ क्या कर रहा है लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर रहे है और एक वॉल्ट्री एजेंसी है नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है आपके द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी तो जो भी एम है वैक्सीन वायल मॉनिटर है तो उसके सेंटर स्क्वायर में कलर यूज़ किया जाता है कि पोलियो वैक्सीन अच्छे तरीके से स्टोर की गई है तो कौन सा कलर यहाँ पर उस सेंटर स्क्वायर में शो होगा ऑप्शन में वाइट वायलेट ब्लू या फिर पिंक तो जो वी वी एम पर वैक्सीन वायल मोनीटर एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकता है आपको वी वी एम का तो वैक्सीन वायल मोनीटर पर जो एक सेंटर स्क्वायर होता है यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वैक्सीन अच्छे तरीके से स्टोर है या नहीं तो क्या कलर शो होगा तो शो होगा कलर वाइट कलर का यहाँ पर ये यह देखिए आप लोग इस तरीके से यदि वाइट हो रहा है सेंटर में तो यूजेबल स्टेज में है थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा चेंज हो रहा है कलर तब भी रहेगा बट ये पर्पल कलर में चला जाता है तो अनयूजेबल स्टेज में हो जाएगा इस तरीके से यदि शो होता है तो हमें वो वैक्सीन क्या करना है यूज़ नहीं करना है उसको डिस्कार्ड कर देना है नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर तो हम हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को कब सेलिब्रेट करते हैं ऑप्शन में है अलेवन जुलाई ट्वेल्व जुलाई ट्वेंटी फर्स्ट जून या फिर सेवन अप्रैल तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो विश्व जनसंख्या दिवस है हम हर साल कब मनाते हैं ग्यारह जुलाई को और इस बार की थीम क्या रही है तो इस बार की थीम थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो कि ग्यारह जुलाई को मनाते हैं द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी तो कोविड नाइन्टीन पैंडमिक का फर्टिलिटी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है तो इसी को लेके थीम भी रख दी गई है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी और हम हर साल ग्यारह जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं इक्कीस जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं एंड सेवेंथ अप्रैल जो ऑप्शन में दिया है इस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं तो आई होप आपके यहाँ पर चार क्वेश्चन क्लियर हो गए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई ट्वेंटी जून को इंटरनेशनल योगा डे सेवेंथ अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे थीम भी आपको कई बार बता दी गई है और 2021 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है वो क्या है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी नेक्स्ट है यहाँ पर मेजर सिम्टम्स ऑफ एन एड्स पेशेंट इज एड्स के मरीज के मेजर सिम्टम क्या होंगे ऑप्शन में वेट लॉस डायरिया फीवर या फिर ऑल ऑफ दी अबब एड्स के पेशेंट में आपको सभी साइन देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं डी ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज इंक्लूड तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं ऑप्शन में स्मोकिंग हाइपरटेंशन सीरम कोलेस्ट्रॉल या फिर ऑल ऑफ दी अबव तो यहां पर भी जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा डी ऑल ऑफ दी अबव क्योंकि हमने दो तरीके के फैक्टर्स पढ़े हैं एक तो होते हैं मॉडिफाइबल दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल बट यहाँ पर डायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स आते हैं तो वो हैं सभी स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल सभी हो जाएंगे रिस्क फैक्टर में कोरोनरी हार्ट डिसीज़ को डेवलप करने के लिए कोरोनरी हार्ट डिसीज डेवलप करने के लिए और आपको एग्ज़ाम में दो तरीके के रिस्क फैक्टर आते हैं तो या तो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आ सकता है या फिर कौन सा है या नहीं तो जनरली दो टाइप के होते हैं एक तो होते हैं मॉडिफाइबल दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ऐसे फैक्टर आते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं जैसे कि मोटापा स्मोकिंग हाइपर टेंशन सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो डाइट में चेंज ला के कर सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये सभी किस में आ जाएंगे मॉडिफाइबल में आपकी यदि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो उसमें योगा एक्सरसाइज ऐड करके आप उसको ठीक कर सकते हैं दूसरे आते हैं नॉन मॉडिफाइबल जिनको चेंज करने में हम कुछ भी नहीं कर सकते जिनको हम नहीं बदल सकते जैसे कि एज सेक्स एथेनिसिटी रेस ये सभी चार पाँच किस्में आएंगे नॉन मॉडिफाइबल में जिसको चेंज करना हमारे बस में नहीं है तो दोनों टाइप के फैक्टर्स आपको याद रखना है और क्या इसके लिए ज़्यादा अच्छे या तो हम ये कह है सकते हैं कि किन को हम चेंज कर सकते हैं किन को नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज स्टेज टू बी अबाउट तो ये सभी को पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है तो होता है वन ट्वेंटी टू एटी एम सॉरी वन ट्वेंटी वाई एटी एम ऑफ एच जी कितना होता है वन ट्वेंटी वाई एट्टी एम ऑफ एच जी नेक्स्ट है यहाँ पर पल्स रेट ऑफ बेबीज़ तो बेबीज़ की पल्स रेट कैसी होती है ऑप्शन में मोर देन एडल्ट लेस नॉट फिक्स्ड तो बेबी की पल्स होती है जो हमेशा बड़ों से हमेशा ज़्यादा ही होती है कैसी होती है जो एडल्ट होते हैं उनसे हमेशा ज़्यादा होती है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा ए मोर देन द एडल्ट यहाँ पर नॉर्मल रेस्परेटरी रेट्स इन एडल्ट्स इज़ अबाउट। तो एडल्ट नॉर्मल रेस्परेटरी रेट कितनी होती है ऑप्शन में फाइव पर टेन परमानेंट पर मिनट या फिर ट्वेंटी सेवन नॉर्मल रेस्परेटरी रेट होती है पर मिनट तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आज के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है अभी रिसेंट का क्वेश्चन ही है कि रिसेंट में टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है तो फर्स्ट जो मेडल जीता है वो किस फील्ड से जीता गया है और किसने जीता है अभी सब लोग रिसेंट में न्यूज़ देख रहे होंगे तो सबको पता होगा तो इसका आंसर जरूर बताएं कि फर्स्ट जो ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो ओलंपिक हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक तो इंडिया के किस प्लेयर ने वो ओलंपिक जीता है जो कि वेट लिफ्टिंग में जीता है मैं भी आपको बता देती हूँ वेट लिफ्टिंग में एक वुमेन प्लेयर है उन्होंने जीता है उनका नाम आपको बताना है तो आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल हो सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस बाय बाय